इंटरपोल ने भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी का नाम रेड नोटिस की लिस्ट से हटा दिया है। मेहुल ने रेड कॉर्नर नोटिस के खिलाफ इंटरपोल के लियोन हेडक्वार्टर में अपील की थी और सूत्रों के मुताबिक रेड कॉर्नर हटने के फैसले को सीबीआई चुनौती दे सकती है। चौकसी पंजाब नेशनल बैंक में 14,000 करोड़ रुपए के घोटाले में आरोपी हैं और फिलहाल फरार हैं। मेहुल चौकसी मामले पर सीबीआई की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया है। जांच एजेंसी ने कहा है कि इंटरपोल का फैसला सही नहीं है, रेड नोटिस फिर जारी करने के लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जाएंगे। एंटीगुआ की अथॉरिटीज ने भी माना है कि एप्लीकेंट यानी मेहुल चौकसी के खिलाफ जरूरी सबूत हैं और एंटीगुआ ने यह भी माना है कि वहां की नागरिकता हासिल करने के लिए चौकसी ने गलत फैक्ट्स पेश किए। इसका मतलब यह है कि चौकसी ने पहले भी अपराध किया है। लेकिन फिलहाल चौकसी, आपको यह भी बता दें कि चौकसी 2018 में देश छोड़कर भाग गया था। 10 महीने बाद उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ। तब तक वो एंटीगुआ और बारबुडा में छिपा था। बाद में उसे यहां की नागरिकता मिल गई। चौकसी ने सीबीआई की एप्लीकेशन के जवाब में दलील दी थी कि भारत में जेलों के हालात बहुत खराब हैं, वहां उसे जान का जो है खतरा हो सकता है, वो नहीं जा सकता। इसके अलावा उसने सेहत से जुड़ी भी दलीलें दी थी। इंटरपोल की 5 मेंबर्स की कमेटी ने इस पर सुनवाई भी की थी। इसे कमीशन फॉर कंट्रोल फाइल्स कहा जाता है। इस कोर्ट में लीगल कमेटी को यह अधिकार हासिल है कि वो किसी शख्स या आरोपी के खिलाफ रेड नोटिस को रद्द करे। फिलहाल रेड नोटिस को रद्द कर दिया गया है। यह भी बताएं कि सीबीआई की जो चार्जशीट में चौकसी के अलावा नीरव मोदी का नाम भी शामिल है। चौकसी मई 2021 में एंटीगुआ से गायब होकर पड़ोसी देश डोमिनिका पहुंच गया था। यहां उसे अरेस्ट कर लिया गया। सीबीआई की एक टीम उसका प्रत्यर्पण कराने के लिए डोमिनिक पहुंची, लेकिन इसके पहले ही ब्रिटिश क्वीन की प्रीवी काउंसलिंग से उसे राहत मिल गई। बाद में उसे फिर एंटीगुआ के हवाले कर दिया गया। हालांकि डोमिनिका की जेल में 62 साल के चौकसी को 51 दिन गुजारने पड़े थे। यहां उसने दलील दी थी कि वो एंटीगुआ जाकर वहां के न्यूरोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट करवाना चाहता है। एंटीगुआ पहुंचने के कुछ दिन बाद डोमिनिका की अदालत ने चौकसी के खिलाफ जो दर्ज केस थे उसे खारिज कर दिया। आपको यह भी बता दें कि आखिर ये रेड नोटिस क्या होता है जिससे फिलहाल मेहुल चौकसी को बाहर कर दिया गया है। इंटरपोल के मुताबिक रेड नोटिस या रेड कॉर्नर नोटिस दुनिया भर की लॉ एनफोर्समेंट के नाम एक अपील होती है जिसमें किसी व्यक्ति को ढूंढने या अस्थायी तौर पर गिरफ्तार करने की मांग की जाती है। रेड नोटिस उन लोगों के नाम जारी किया जाता है जिनका प्रत्यर्पण, सरेंडर या इसके जैसी कोई कार्यवाही बाकी रहती है। रेड नोटिस का मतलब अरेस्ट वारंट नहीं होता। इंटरपोल के सदस्य देशों को अपने खुद के कानूनों को देखते हुए यह तय करना होता है कि संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार करना है या नहीं। देशों की तरफ से दी गई जानकारी के आधार पर इंटरपोल जनरल सेक्रेटरिएट रेड नोटिस लिस्ट को नियमित रूप से अपडेट करता रहता है। और फिलहाल मेहुल चौकसी को राहत मिली है। आपको यह भी बता दें कि 195 देश इंटरपोल के मेंबर है। कानूनी रूप से इंटरपोल का रेड नोटिस जारी होने पर संबंधित व्यक्ति को अस्थायी तौर पर हिरासत में लिया जा सकता है, अस्थायी तौर पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके बाद जिस देश में उसे गिरफ्तार किया गया हो उस देश के कानून के मुताबिक कार्यवाही की जाती है। कई मामलों में उसे देश के हवाले यानी उसके खुद के देश के हवाले उसे किया जाता है जिस देश में वो वांटेड होता है। आपको यह भी बता दें कि नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई स्थित ब्रेडी हाउस ब्रांच के अधिकारियों की मिलीभगत से 14,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला करने का आरोप है। 2011 से 2018 के बीच फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स के जरिए रकम विदेशी खातों में ट्रांसफर की गई थी जिसके बाद ये कार्यवाही जो है उन पर जारी थी। लेकिन फिलहाल उन्हें रेड कॉर्नर नोटिस से बाहर कर दिया गया है, राहत मिल गई है। लेकिन फिर भी सीबीआई इस पूरी प्रकरण को जो है चुनौती दे सकती है और सीबीआई की तरफ से जारी बयान के मुताबिक जो भी जरूरी कदम होंगे वो सारे कदम जो है सीबीआई की तरफ से उठाए जाएंगे ताकि रेड कॉर्नर नोटिस से मेहुल चौकसी को बाहर ना किया जा सके। तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स लेकर नेशन स्पीक्स यूं ही हाजिर होता रहेगा। तब तक के लिए बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ।